जनपद सदस्य रामलाल उइके की ओर से तहे दिल से स्वागत वंदन और अभिनंदन। जनता जनार्दन मातृशक्ति पितृशक्ति युवा साथी सभी से मैं अपेक्षा करता हूं इस मंच के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। आप और हम सब लोगों को सोचना और समझना होगा, इतिहास को बदलना होगा। आप और हम सब लोग जानते हैं, परतेति जी ने भी बताया, इस देश में, इस मध्य प्रदेश पूरे देश में सोने के सिक्के चला करते थे। हमारे राजा महाराजा, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, ऐसे महान योद्धा ने इस देश में राज किया। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आप और हम अगर परतेति जी या प्रचारक मंत्री जी, बड़े भैया रावण साहब उइके जी हर मंच पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं कि इस अपना धर्म को बदलना है, गौड़ी धर्म लाना है और अपने रीति रिवाज में बदलना है, लेकिन क्या करो, मुख्य अतिथि लोग चिल्ला चिल्ला के परेशान है, लेकिन हमारे मातृशक्ति पितृशक्ति युवा साथी जो है इस मंच में एक कार्यक्रम और डांस सुनने और समझने के लिए आते हैं और सुबह ही बस सैनिटाइजर में भूल जाते हैं। मैं तो सोचता हूं कि सबसे पहले परतेति जी, प्रचारक मंत्री पीतम साहे उइके जी, बड़ भैया रावण साहे उइके जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष गया प्रसाद कुमरे जी, आपसे करवट प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले एक केवलारी ब्लॉक जिला सिवनी में भी एक बार और परतेति जी से भी निवेदन करता हूं, एक बार और धरना प्रदर्शन इस सैनिटाइजर शराब के लिए करें। इसलिए आप सभी सका समाज से निवेदन की इन मुख्य अतिथि के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। हम हंसते हैं, उन्हें लगता है आदत है मुस्कुराने की। मातृशक्ति पितृशक्ति आपसे निवेदन है, चुनाव की टाइम जब आती है तो दूसरे लोगों, कांग्रेस भाजपा वाले वो तो समझते हैं कि आदिवासी लोग की कीमत 20 रुपया और एक शराब की पौआ की है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, हम हंसते हैं उन्हें लगता है आदत है मुस्कुराने की, हम हंसते हैं उन्हें लगता है आदत है मुस्कुराने की, हमारे अंदर है खून गोल्ड समाज की, इसलिए बात करते हैं गोंडवाना राज लाने की और सका समाज को जगाने की, सका समाज को जगाने की। आप अगर जग जाओगे और उस शराब से मुक्त हो जाओगे, निश्चित ही गोंडवाना राज आएगी और वही राजा शंकर शाह, वही राजा कुंवर रघुनाथ शाह इस देश में होंगे। राजा ने 1750 साल राज किए, ऐसे इस मुख्य अतिथि लोग हमारे पुजारी जी बताते हैं। अब मुझे तो उतना ज्ञात नहीं है, लेकिन जी 1750 मुख्य अतिथि जो लोग बैठे हैं, 1750 एक छत्र राज किए हैं। अभी कांग्रेस और भाजपा 70-75 साल राज किए हैं, इसके बाद भी जो है आदिवासी एसटी लोगों को सबसे नीचे की ग्रेड में पहुंचा चुके हैं। आपसे करवट प्रार्थना है कि अपन को अगर बदलना है तो कुछ करना होगा। मैं मेरी कहानी बताता हूं, आप मेरे युवा साथी हैं, आप जान अपने आप को जे ना समझे कि यार आप जनपद सदस्य बन गए, लंबी लंबी मारे और चले गए, ऐसी बात नहीं है। अपनी जो सोच बदलना होगा, मैं एक गरीब घराने से हूं, आपके जो उगली वाले भाई साहब है ना, बड़े भैया आनंद भगत जी, मैं मेरे साथ है जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक मेरा 11 है, उनका शायद 17 या 18 है, मेरे साथ जनपद सदस्य। उनको भी मालूम है कि रामलाल एक युवा प्रत्याशी तो है लेकिन हट के बात करता है, मेरे साथ बैठते हैं मंच में। वहां मेरा कहना है मैं एक गरीब घराने से हूं, लेकिन राजनीति में मुझे आने की पेशा नहीं थी। मैं लगभग 5 साल से समाज के लिए दिन रात काम करता था। मुख्य अतिथि यहां बैठे हैं, सबको मालूम कि रामलाल एक छोटे घराना से है। मैं, मेरे पिताजी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सम्मेलन कार्यक्रम हर जगह जाया करते थे, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। मेरे पिताजी तो अभी भी हमारे परतेति जी बैठे हैं अच्छे से, मेरे पिताजी बट्टन लाल उइके जी
जो उगली केवलारी पूरे क्षेत्र में अगर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो वो 101% आते हैं और अदर कार्यक्रम में कभी नहीं जाते। उनका आशीर्वाद मुझे अभी मिला और इस मंच में हर जगह सामाजिक कार्यक्रम में मुझे आने जाने का अवसर मिला। मैं तो चाहता हूं कि अगर आपको बिजनेस करना है, अब 500 रुपए से हम कैसे बिजनेस करेंगे? शर्मा ना, मेरे युवा साथी हैं, 235 रुपए में एक मुर्रा की बोरी आती है। स्टार्ट करें बिजनेस, मुर्रा की बोरी है। आप मुर्रा वाले भैया आपको नहीं बताएगा, जो मुर्रा अपन को धान के सीजन में बेचते हैं ना, वो कभी नहीं बताएगा। मैं मेरी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जो स्टार्ट काम किया था, आज ज्यादा नहीं तो 20-50 हजार रुपये, 40 हजार रुपये एक महीने में कमाता हूँ मैं। मुर्रा की बोरी जो आती है 230 रुपये की आती है। जब एक मुर्रा की बोरी लगभग, मुर्रा का वजन तो 5-10 किलो रहता है उस बोरी में, जितनी मुर्रा की जो बोरी है उस बोरी, एक पूरी बोरी अगर मुर्रा वाले भैया बेचते हैं, उस बोरी भर के अगर धान आती है, धान अभी 2040 रुपया क्विंटल रेट थी, उस बोरी में 45 किलो धान आती। आप आकलन करने कि एक मुर्रा की बोरी की कीमत लगभग 900 रुपया है, अपन को शेष राशि कितने बच जाते हैं, लगभग 650 रुपये। एक मुर्रा बेचने वाला एक दिन में 650 कमाते हैं, लेकिन हमारे जो आदिवासी लोग हैं 150 रुपये में खंती खोदने के लिए पसंद करते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए कभी तैयार नहीं होते। चाचा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बिजनेसमैन, छोटा सा व्यापारी था, किलो तकड़ी खरीद के और बिजनेस को स्टार्ट किया था। मेरे चाचा जी यहाँ पर बैठे हैं, वो बताएंगे। मैंने उस बिजनेस को शुरुआत किया और लगभग 34 साल की उम्र है, 18 साल हो गए मैंने सैनिटाइजर शराब को बंद किया हूँ। 18 साल में चाचा जी मैंने आकलन किया हूँ, 18 साल में आकलन किया, एक साल में लगभग 15,000 रुपए बचते हैं, 17 साल में लगभग 2.5 लाख रुपए बचते हैं। मेरे अकाउंट में 2.5 लाख तो नहीं है, लेकिन 5,000 में ट्रैक्टर लिया और 2 लाख बाकी कल्टीवेटर सीडिल लिया हूं, लगभग 100 घंटे चलाता हूं, 30,000 की डीजल, 70,000 रुपए जेब में एक सीजन में। बिजनेस करें मेरे युवा साथी, अगर जितने हैं तो बिजनेस करें। मैं बिजनेस, और जब से जनपद सदस्य बना हूँ, मुख्य अतिथि लोग बैठे हैं, हर दिन कहीं ना कहीं, आज भी मैं, कल भी पलारी में था, पलारी के बाद ड्यूटी में 2-व्हीलर से रनिंग करता हूँ। बिजनेस करें, बदल डालो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा। सच कहता हूँ आरो, एक दिन गोंडवाना राज आएगा, एक दिन गोंडवाना राज आएगा, लेकिन आप अपने आप में विश्वास बस रखें। इतना कहकर मैं अपना बात को विराम करता हूं। बड़ा पेंता, सजोर पेंता, मातृ शक्ति पितृ शक्ति ना, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। दो चीज एक साथ कर, बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिटाइजर संभालो भैया, बुला लो।